गणेशा बाई पी वी जानकी राम, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्कल्पचर। ये 1970 में जानकी राम ने इसको स्कल्प्ट किया था और ये करंटली NGMA यानी कि नेचुरल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पोजेशन में है। तो जो मीडियम यहाँ पर यूज़ किया है जानकी राम ने वो है ऑक्सीडाइज्ड कॉपर। बेसिकली उन्होंने करा क्या है कि ऑक्सीडाइज्ड कॉपर जो है उसकी शीट्स बना ली एंड उस शीट्स को थोड़ा सा कर्व कर दिया, थोड़ा सा वेल्ड करने के बाद उसको एक कर्वेचर प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद उन्होंने सारी शीट्स को ज्वाइन करके ये पूरा स्कल्पचर फॉर्म किया है। एंड बहुत ब्यूटिफुली पूरा एंसेंबल इतना अच्छा और यूनिक है, मॉडर्न है और साथ ही मॉडर्निज्म के साथ इसमें ट्रेडिशनल टच भी है। इसमें हम देख सकते हैं कि थोड़े से लीनियर यू नो लाइंस का यूज़ किया है। ये देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कि कुछ लाइंस का यूज़ करके उन्होंने फेशियल फीचर्स एक्सेट्रा इस पूरे स्कल्पचर में ऐड करे हैं, डिटेल्स ऐड करे हैं। एंड जानकी राम जो थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे साउथ से, साउथ के कल्चर एंड यू नो आर्ट से, तो इसमें हमें थोड़ा सा एक साउथ इंडियन टेम्पल्स एंड केव का स्कल्पचर्स का एक इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर दिख सकता है। पूरा स्कल्पचर वेरी ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटेड है, वो गणेशा एक हाथ में वीणा बजा रहे हैं, उनके फेशियल फीचर्स सारे जो है वो लाइंस के थ्रू उन्होंने डिपिक्ट करी है एंड ये उनकी अमेजिंग एंड यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एंड ये स्कल्पचर बहुत ही रिदमिक है, इसमें थ्री डिमेंशनलिटी तो दिख रही है और उसके साथ साथ मतलब वो जो लीनियर उन्होंने जो लाइंस का यूज़ करके जो फीचर्स दिए हैं उस वजह से उनकी थ्री डिमेंशनलिटी पे और भी ज़्यादा फोकस ला रहा है। सो काफ़ी लिरिकल है पूरा स्कल्पचर एंड इट्स ब्यूटिफुल। यू नो कॉपर का यूज़ करने के बावजूद कॉपर जैसी यूनिक चीज़ और वो भी इतने यूनिक तरीके से, हम वेरी नॉर्मली ऐसे स्कल्पचर्स देखते नहीं हैं, तो कॉपर का यूज़ करके पहली बार उन्होंने कॉपर को भी इतने यूनिक तरीके से शीट्स बनाकर फिर उसको यू नो कर्व करके उसके बाद उन्होंने पूरा असेंबल किया है। सो इट्स अमेजिंग। एंड इसके बाद भी यू नो इस सब के बाद भी वो कितना अच्छा लग रहा है, कॉपर का यूज़ किया है, ब्लैक है पूरा, कलर सेम है बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। एंड गणेशा इसमें एक हाथ में वीणा बजा रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल, मैंने गणेशा का एज अ स्कल्पचर जो है हमारा वो NCERT से पूरा कवर किया है, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारा आंसर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डालते हैं इसमें, थोड़ा सा हमारे लिखने का पैटर्न एंड तरीका डिफरेंट हो जाता है, तो उसके लिए प्लीज़ गो टू माई अनदर वीडियो, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड करूँगी और आप इसमें इसके नोट्स पर जाकर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसका प्रॉपर आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले आंसर आपको इससे पूरा पैटर्न मिल जाएगा।